मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं बढ़िया, उम्मीद आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो अभी आपका भाई निकला है जिम के लिए और बाहर फॉग देखो कितना ज़्यादा तेज़ है। मतलब आज तो अपने को कुछ नहीं दिख रहा इसमें, रात को ही ऐसी हो गई थी तो दिखना ही क्या है। अभी तो भाई फॉग देखो आज कैसा खतरनाक आ रखा है, दिख भी कुछ नहीं रहा है। हालत हो रही थी ख़राब फॉग की वजह से, आज इतना तेज तो नहीं आया अभी तक। किया है सवेरे सवेरे, किया है मैं डंबल चक लेना तेरे पैरो। अरे हाँ जी बाइसेप बाइसेप तो बाद केड़ी लोनी है आहा प्रीचर फिर आ वाली आज डालो खड़े कर रहे हैं। अभी आपका भाई निकला है घर के लिए और उतरी बच गए बच गए बच गए। फॉग में थोड़ा ध्यान से ही चलानी पड़ती है यार गाड़ी। अभी यहाँ से घुमा के यू टर्न लेके ब्रिज के ऊपर चढ़ाएंगे गाड़ी को। हाँ ब्रिज पे नहीं यार, नीचे से ही चलते हैं यार। मन तो कर नहीं रहा ब्रिज पे जाने का, क्योंकि मुझे फिलहाल ऐसी फॉग देख के ना ब्रिज पे जाने का 1% भी मन नहीं है। आराम से चलेंगे नीचे नीचे से ही, आज नीचे सेफ रहता थोड़ा। तुसें कैमें आ बढ़िया होइयां लाइटां सेट तेरियां है हो गया, माल मूल कर लिया, अब भेज दिए गाड़ी भरन यार। मॉडिफाई करके ना न्यू मॉडल वाली लगाने सी बंपर और लाइट सही नहीं लगू जेड़े मेरे को इन्होंने 50-55। हाँ फ्रेम चेंज होगा इसका, नहीं नहीं फ्रेम चेंज होगा भाई, वो नहीं भाई उसकी लाइट का ही फर्क है। हाँ वो लवाना यार मजा भी तो है यार। लुक ये खराब हुई थी या टूट गई थी लाइटां, क्या खराब हो गया? ओके भाई फिलहाल अपन जा रहे हैं महिंद्रा की एजेंसी और महिंद्रा पहुंच के वहां से कार वाली महिंद्रा नहीं है ये ट्रक वाली महिंद्रा है, तो महिंद्रा ट्रक्स में जा रहे हैं। वहां से कोई पार्ट्स लेके हम लोग जाएंगे सीधा अपने ऑफिस। और इनसे तो आप मिल चुके हो, ये बैठे हैं राजू और इनकी गाड़ी का ही लेके आना है। तो अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं, फिलहाल अपन पहुंचने वाले हैं महिंद्रा एजेंसी में। और उस साइड से जब मैं आ रहा था ना तो मैंने कुछ देखा, वो भी आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, लगातार कुछ 6-7 गाड़ियाँ टकराई हैं, जिनमें से 2-3 गाड़ियाँ इधर आ चुकी हैं एजेंसी के पास में, जो कि यहाँ पे खड़ी हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। एक तो ये स्विफ्ट है ठीक है सामने की ओर, और देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ईटो वाली किसी गाड़ी का और ईंटें वगैरह गिरी हुई हैं यहाँ पे। एक गाड़ी तो ये देखो ये ठुकी पड़ी है, और एक ये ट्रक इसका भी एक्सीडेंट हुआ आज ही। और भाई देख लो एक वो स्विफ्ट, वो स्विफ्ट उधर स्विफ्ट पड़ी है एक, और दो गाड़ियाँ अपन पीछे देख के आए थे। इस ढाबे वाले के रौनक लग गए, पुलिस वाले भी यहीं पर खाना खा रहे हैं। और ये देखो कैंटर भी रुकया हुआ है, वो उधर साइड में गिर चला गया हो तो ठोके। ये शीशे यहाँ तक फैले हुए हैं, बहुत सारी गाड़ियों का फॉग के कारण एक्सीडेंट हुआ, इसलिए कहते हैं सेफ ड्राइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो भाई कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, बाकी सेफ ड्राइव करोगे उतना ही अच्छा है। तो अभी आपका भाई जा रहा है ऑफिस की तरफ। देखो क्या हुआ है, स्कॉर्पियो N वो भी नई वाली टॉप मॉडल है जहाँ तक है, और ये एक ट्रक के सामने घूम के ओवरटेकिंग में ट्रक के सामने घूम गई है पूरी गाड़ी, और इसका लॉस हो चुका है। अब ये नहीं पता क्या क्या टूटा है अपन यहाँ पे आज पंजाब में, पता नहीं क्या है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। अभी देख लो स्कॉर्पियो की क्या कंडीशन है,
कंडीशन इसकी खराब ही लग रही है भाई, मेरे को पूरी चिपक गई है, खराब ही हुआ है भाई सिस्टम, तो बुरा ही हुआ भाई के साथ। चलो देखते हैं आगे क्या सीन रहते हैं। ये वाली गाड़ी लेके आया है और इस वाले ट्रक को, ये अपना इको ट्रक खड़ा है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसका जैक काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे आए। दाने हो गया सेट जैक, नया जैक लगा दिया है और पूरा ओके हो गया, काम कर रहा हूँ ऊपर थले, ठीक है। ये 2020 मॉडल जैक है, 2020 मॉडल जैक है ये, कबाड़िए वाली चीज अपने कहां काम में आएगी यार, उही तेन तंग करी रखे होना अज कबाड़िए दे ला ला के है। ਹੋਰ ਸਰਦੀ ਸੁਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗੁਹਾਟੀ ਵੱਲ? ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿੱਟ, ਰਾਜੂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ, ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜੈਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਸਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੀਨ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸਕਾ ਯੇ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ये बनवाया अपन ने इसका डीजल चोरों से बचने के लिए प्रॉपर लॉकअप, इसमें टैंकी पूरी अंदर लॉक हो गई, ये ताला लग गया उसके ऊपर से बोल्ट और मारा हुआ है, डबल काम हो गया, बजेगा नहीं ताला। बाकी देखते हैं क्या सीन रहते हैं, इसको भी भर के बस निकलने वाली है, लोड हो चुकी है गाड़ी। फिलहाल अपन अपने बुलेरो लेने जा रहे हैं और अपन सफ़र कर रहे हैं इसमें सिटी बस में, और इसकी पहले कंडीशन अच्छी हुआ करती थी, अभी तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। ये देखो ये ऑटोमेटिक वाला था, बट ये अब कुछ ज़्यादा ही ऑटोमेटिक हो रखा है, अब ब्रेक के साथ अपने आप खुल जाता है। ये देखो अभी इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रखी है। अभी अपन आए हैं गाड़ी में लाइटें लगवाने और फॉग लाइटें नहीं लगवा रहे हैं, बस पहुँचा ही हूँ HS कार वार्ड, और ये वाली लाइट्स हैं, ये वाली लाइट्स हैं, इनको दिखाते हैं आपको लगने के बाद में। ये अभी गाड़ी अपनी इस तरफ लगने जा रही है और उसके बाद में इसमें ड्रिल होगा और फिर वो लाइट्स इंस्टॉल होगी, दिखाते हैं आपको क्या सीन रहता है। भाई अभी बम्पर में निकलेगा अपने छेद और उसके बाद में दिखाता हूँ वो क्या होता है। तो भाई अभी अपनी गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका है और इसके ड्रिल होकर यहाँ पर लाइट्स लग जाएंगी, ये वाली, ये वही लाइट्स हैं, ये वाली दिखाते हैं आपको लगने के बाद में कैसा हुआ था। तो अभी भाई सुराख वगैरह हो चुके हैं और फिलहाल गाड़ी में एक तो ये स्विच लगने वाले हैं और उनकी भी प्लेस देख रहे हैं। लाइट्स तो अपनी लग चुकी हैं और अभी देख लो कनेक्शन चल रहा है, इसकी वायरिंग चल रही है, अभी फिर दिखाते हैं आपको इसका रिजल्ट। तो भाई फिलहाल लाइट्स लग चुकी हैं, तो आपको इनका थ्रो दिखाते हैं एक बार, जाती हुई प्यारी कितनी लग रही है देखो। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अपने से दूर आ गई थी और अभी इसकी चल रही है लाइटों की सेटिंग। सेटिंग कैसे कि जो वो लाइटें हैं वो परफेक्टली एकदम फिक्स में हों और सही जगह पड़े, बाकी थ्रो आप देख ही पाओगे थोड़ी देर में, दिखाता हूँ आपको। भाई अभी सेटिंग कर रहे हैं, फिलहाल इनकी सेटिंग चल रही है। तो अभी भाई अपनी लाइट्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है,
और अपन ने अज़ूम की इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि अज़ूम की काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी और ये वाली थोड़ी सस्ती हैं, चीप रेट में है। चीप तो नहीं बोल सकते, मतलब अपने लिए सही है। क्वालिटी आपको दिखाता हूँ इनकी, मेरे को क्वालिटी सही लगी और इन बजट है ये। अभी बाकी बाद में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आप लोगों के लिए एक अंधेरी जगह में आ चुका हूँ और अभी आपको लाइट्स का जो थ्रो है ना वो दिखाता हूँ, आप बताना मेरे को। ये देखो, ये अपनी येलो लाइट है और इसका थ्रो देखो कितना प्यारा आ रहा है, मतलब दूर तक सही दिख रहा है। और ये वाली वाइट है, वाइट का भी बिल्कुल सही है और अपने जो पैसे हैं वो वसूल हैं। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो अपने अज़ूम की लाइट्स आती हैं वो आती हैं 17,000 रुपये की और ये लाइट अपने लगवाई है मात्र 3500 रुपये की लाइट थी। 250 रुपये फिटिंग चार्जेस लगे अपने और अपना काम हो गया एक नंबर का। आपका भाई घर पहुंच चुका है और जो इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।